2013 में मलयालम फिल्म दर्शम रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मोहनलाल, मीणा, आशा शरत और सिद्दीकी मुख्य भूमिका निभाते नजर आए थे। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। इसके बाद इस फिल्म का हिंदी में इसी नाम से 2015 में रीमेक बनाया था। इस फिल्म में तब्बू, अजय देवगन, श्रेया सारण, इशिता दत्ता, मृणाल यादव, रजत कपूर और ऋषभ चड्ढा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार दिया था। वही मलयालम को पिछले साल दर्शम 2 रिलीज हुई थी और इसी फिल्म में वही किरदार नजर आएंगे जो पहले आए थे। इस फिल्म भी दर्शकों को खूब प्यार दिया। अब वह अजय देवगन अपनी हिंदी का दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया गया जो काफी ज्यादा पसंद किया गया है। फिल्म 18 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में अजय देवगन, तब्बू के अलावा अक्षय खन्ना, मृणाल यादव, इशिता दत्ता, श्रेया सारण और रजत कपूर काम करते हुए दिखाई देंगे। तो आज हम आपको दर्शम 2 में काम करने वाले कलाकारों की फीस के बारे में बताने जा रहे हैं। इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें कितने रुपए चार्ज किए हैं। सबसे पहले नंबर पर है अजय देवगन। अजय देवगन ने फिल्म में मुख्य भूमिका विजय का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे जो अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। दर्शम में दर्शम 2 के काम करने के लिए 30 करोड़ रुपए की फीस ली है। नेक्स्ट है तब्बू। तब्बू पहले पार्ट में आईजी मीरा देशमुख के किरदार में नजर आई थी। इस फिल्म में वह अभिनय काफी ज्यादा सराहा गया था। वहीं दूसरे पार्ट में वो इसी किरदार को निभाते दिखाई देगी। दूसरे पार्ट में काम करने के लिए उन्हें 3.5 करोड़ रुपए मिले। तीसरी है श्रेया सारण। श्रेया सारण दर्शम में विजय की पत्नी नंदिता का किरदार निभाया है। पार्ट में वो वही किरदार निभाते हुए नजर आएगी। इस फिल्म के लिए उन्हें 2 करोड़ रुपए चार्ज किए। फोर्थ नंबर पर है अक्षय खन्ना। अभिनेता अक्षय खन्ना ने दर्शम में काम नहीं किया था लेकिन वो दूसरे पार्ट में काम करे। दर्शम 2 में वो काम करने के लिए उन्हें 2.5 करोड़ रुपए मिले। अगली है इशिका दत्ता। इसी दर्शम में इशिका दत्ता विजय और नंदिनी की बड़ी बेटी अंजू के रूप में नजर आई थी। वहीं दूसरे पार्ट में काम करने के लिए उन्हें 1.2 करोड़ रुपए लिए हैं। अगले हैं रजत कपूर। रजत कपूर दर्शम में तब्बू के पति महेश देशमुख का किरदार निभाते हुए दिखाई दिए थे। इस पार्ट में वो वही किरदार निभाते नजर आई। उन्होंने 1 करोड़ रुपए की फीस ली है। लास्ट है मृणाल यादव। दर्शम में मृणाल ने विजय और नंदिनी की छोटी बेटी अनु का किरदार निभाया था। मृणाल ने दूसरी फिल्म में पार्ट में काम करने के लिए 50 लाख रुपए फीस के तौर पर लिए थे। तो दोस्तों ये दर्शम 2 मूवी आप देखने जा रहे हो कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।